बिहार के भगत चौराहा स्थित चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में सोमवार से पंचवटी अभियान के तहत औषधीय पौधारोपण का धन्वंतरी आरोग्य सप्ताह का शुभारंभ किया गया। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं पंचकर्म प्रभारी डॉक्टर पारस चौहान के अनुसार आगामी 23 अक्टूबर तक चलने वाले सप्ताह के तहत सोमवार को चिकित्सालय में धन्वंतरी प्रांगण में स्थित उपवन में पंचवटी अभियान के तहत उक्त कार्यक्रम में आयुर्वेद विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रमाशंकर पचौरी द्वारा औषधीय पौधारोपण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में शारसूत्र शल्य चिकित्सा इकाई प्रभारी डॉक्टर आशीष सोनी एवं आंचल प्रसूता प्रभारी डॉक्टर नेहा सोनी, श्रीमती सविता सेन, श्रीमती अनीता कुमारी, श्रीमती लाड कुमार, रविंद्र सिंह चौहान, रेहान सोनी, श्रीमती कौशल्या, सुशील मित्तल तथा श्रीमती आशा देवी के साथ साथ गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर आशीष सोनी ने बताया कि सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाएंगे। आरोग्य की देवता श्री धन्वंतरी भगवान की जयंती के उपलक्ष्य में आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आज श्री चांदमल मोदी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय ब्यावर में धन्वंतरी सप्ताह का शुभारंभ किया गया। आज से ही जो महाअभियान है इस सप्ताह का, उसका शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत आज सबसे प्रथम दिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। वृक्षारोपण में आज औषधीय पौधों का वृक्षारोपण कर एक जनता को संदेश दिया गया कि जितना औषधीय पौधों का आप अपने घर में, अपने परिसर में और अपने सराउंडिंग्स में आप रोपण करते हैं, तो वो औषधीय पौधे आपके दैनिक दिनचर्या के लिए, छोटी मोटी बीमारियों के लिए या आपके जीवन को एक स्वस्थ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसी सरकार की इस अभियान के इस माध्यम से एक जनता को जागरूक करने का एक विशेष अभियान है। तो वृक्षारोपण कार्यक्रम का आज शुभारम्भ किया गया है, जिसमें हमने 5 औषधीय पौधों का वृक्षारोपण यहाँ किया है। उसके पूर्व अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रामाशंकर पचौरी सर यहाँ पर पधारे और उनके हाथों से भी वृक्षारोपण हुआ। इसमें डॉक्टर पारस जी चौहान जो चिकित्सालय के प्रभारी है वो, डॉक्टर नेहा सोनी जी और अन्य स्टाफ सभी कार्मिक यहाँ पर मौजूद थे। तो आज धन्वंतरी सप्ताह का शुभारम्भ किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम 7 दिन तक चलेंगे। इसमें एक प्रस्तावित है 20 तारीख को एक शिविर, मेगा शिविर का एक कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत हम मधुमेह की जांच और आयुर्वेदिक औषधियों से निराकरण और आहार विहार, विशेष रूप से मधुमेह के लिए क्या हम अपना सकते हैं, आज की जो परिप्रेक्ष्य में जो डायबिटीज़ की बीमारी है, मधुमेह के लिए हम उसमें आयुर्वेद कैसे एक लाभ दे सकता है, उसके बारे में एक मेगा शिविर रख रहे हैं। साथ ही मधुमेह के साथ एक जोड़ों का विकार वगैरह का भी हम यहाँ पर उस दिन शिविर में औषधियाँ उपलब्ध निःशुल्क कराएंगे। तो जनता से अधिक आपके मीडिया के माध्यम से एक जानकारी दी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान का, इस शिविर का लाभ उठाएं, जिससे अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में आयुर्वेद और जो भारतीय चिकित्सा है उसको अधिक से अधिक अपना करके आप स्वस्थ बने रहें और रोग अपने जो बीमारी को जड़ से